यीशु फिर से उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग राज्य की तुलना एक राजा से की जा सकती है जिसने अपने पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन किया। राजा ने अपने सेवकों को आमंत्रित अतिथियों को बुला लाने के लिए भेजा, किंतु उन्होंने आना ना चाहा। राजा ने अन्य सेवकों को ये कहकर भेजा, आमंत्रित अतिथियों से कहो, मैंने अपने भोज की सारी तैयारी कर ली है। अच्छे व्यंजन बनाए जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, भोज में पधारिए। किंतु आमंत्रितों ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु वे सब अपने कामों में लगे रहे, एक अपने खेत में, दूसरा अपने व्यापार में। शेष ने उन सेवकों को पकड़कर उनके साथ गलत व्यवहार किया और फिर उनकी हत्या कर डाली। गुस्से में आकर राजा ने वहां अपनी सेना भेज दी कि वो उन हत्यारों का नाश करे और उनके नगर को स्वाह कर दे। तब राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, विवाह भोज तो तैयार है, किंतु जिन्हें आमंत्रित किया गया था वे इसके योग्य न थे। इसलिए अब तुम प्रधान चौकों पर चले जाओ और वहां तुम्हें जितने भी व्यक्ति मिले उन्हें विवाह भोज में आमंत्रित करो। उन सेवकों ने जाकर रास्ते पर जितने व्यक्ति मिले उन्हें इकट्ठा कर लिया, योग्य अयोग्य सभी को, जिससे विवाह उत्सव का भोजन कक्ष आमंत्रितों से भर गया। जब राजा उस कक्ष में उनसे भेंट करने आया, उसने वहां एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने विवाह उत्सव के लिए उपयुक्त वस्त्र नहीं पहने थे। राजा ने उससे प्रश्न किया, मित्र, विवाह उत्सव के लिए सही वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? उसके पास इसका कोई उत्तर न था। तब राजा ने सेवकों को आज्ञा दी, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधकार में फेंक दो, जहाँ बहुत रोना और दांत पीसना होता रहेगा। बुलाए हुए तो बहुत हैं, किंतु चुने हुए थोड़े। तब फरिसियों ने जाकर यीशु को उन्हीं के शब्दों में फंसाने की योजना की। उन्होंने यीशु के पास हेरोदेस समर्थकों को इस प्रश्न के साथ भेजा, गुरुवर, हमें ये तो मालूम है कि आप सच्चे हैं तथा परमेश्वर के राज्य की शिक्षा पूरी सच्चाई में ही देते हैं। आप में कहीं कोई भेदभाव नहीं है और आप किसी मनुष्य के प्रभाव में नहीं आते, इसलिए हमें बताइए कि आपके विचार से कैसर को कर भुगतान करना उचित है या नहीं? यीशु को उनकी कुटिलता का एहसास हो गया। वो बोले, अरे पाखंडियों, मुझे परखने का प्रयास कर रहे हो? कर के लिए निर्धारित मुद्रा मुझे दिखाओ। उन्होंने यीशु को दीनार की एक मुद्रा दिखाई। यीशु ने उनसे कहा, इस पर ये आकृति तथा मुद्रण किसका है? कैसर का, उन्होंने उत्तर दिया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तो फिर जो कैसर का है कैसर को दो और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को। इस पर वे चकित हो यीशु को छोड़कर वहां से चले गए। उसी समय सदूकी संप्रदाय के कुछ लोग, जिनकी ये मान्यता है कि पुनरुत्थान जैसा कुछ नहीं होता, यीशु के पास आए और उनसे प्रश्न करने लगे, गुरुवर, मोशे की शिक्षा है, यदि कोई पुरुष निसंतान हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। इस विषय में एक घटना इस प्रकार है। एक परिवार में 7 भाई थे। पहले का विवाह हुआ किंतु उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए कि वो निसंतान था, वो अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। ऐसा ही दूसरे तीसरे भाई से लेकर 7वें भाई तक होता रहा। अंत में उस स्त्री की भी मृत्यु हो गई। अब ये बताइए कि पुनरुत्थान पर वो किसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि उसका विवाह तो 7 भाइयों से हुआ था। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग बड़ी भूल कर रहे हैं। आपने ना तो पवित्र शास्त्र के लेखों को समझा है और ना ही परमेश्वर के सामर्थ्य को। पुनरुत्थान में न तो लोग वैवाहिक अवस्था में होंगे और ना ही वहां उनके विवाह होंगे। वहां तो वे सभी स्वर्ग दूतों के समान होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या आपने पढ़ा नहीं कि परमेश्वर ने आपसे ये कहा था, मैं ही अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर तथा याकूब का परमेश्वर हूँ। वो मरे हुओं के नहीं परंतु जीवितों के परमेश्वर हैं। भीड़ उनकी शिक्षा को सुनकर चकित थी। जब फरीसियों को यह मालूम हुआ कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, वे स्वयं एकजुट हो गए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने यीशु को परखने की मनसा से उनके सामने ये प्रश्न रखा, गुरुवर, व्यवस्था के अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है?
यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण तथा अपनी सारी समझ से प्रेम करो। यही प्रमुख तथा सबसे बड़ी आज्ञा है। ऐसी ही दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। इन्हीं दो आदेशों पर सारी व्यवस्था और भविष्यवाणियां आधारित हैं। वहां इकट्ठा फरीसियों के सामने यीशु ने यह प्रश्न रखा, मसीह के विषय में क्या मत है आपका? किसकी संतान है वो? दाविद की, उन्होंने उत्तर दिया। तब यीशु ने उनसे आगे पूछा, तब फिर पवित्र आत्मा से भरकर दाविद उसे प्रभु कहकर संबोधित क्यों करते हैं? दाविद ने कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरी दाईं ओर बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन न कर दूं। यदि दाविद मसीह को प्रभु कहकर संबोधित करते हैं तो वो उनकी संतान कैसे हुए? इसके उत्तर में न तो फरीसी कुछ कह सके और न ही इसके बाद किसी को भी उनसे कोई प्रश्न करने का साहस हुआ।